प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को नवी मुंबई में अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL के रूप में भी जाना जाता है, का आधिकारिक उद्घाटन किया। यहां पुल की पृष्ठभूमि और संपूर्ण विवरण पर एक विस्तृत नज़र है। पृष्ठभूमि: MTHL परियोजना की कल्पना 1970 के दशक में मुंबई के यातायात को कम करने और मुंबई और नवी मुंबई के बीच तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई थी। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आधारशिला रखने के साथ निर्माण शुरू हुआ। परियोजना को भूमि अधिग्रहण के मुद्दों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और तकनीकी जटिलताओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाधाओं के बावजूद निर्माण लगातार आगे बढ़ा और पुल दिसंबर 2023 में पूरा हो गया। पूर्ण विवरण: नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरिन्हावा सेवा अटल सेतु, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। लंबाई 21.8 किलोमीटर, जो इसे भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बनाता है। समुद्र पर 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर। लागत 17,840 करोड़ रुपए से अधिक। विशेषताएं: भविष्य में विस्तार के लिए एक केंद्रीय मध्य भाग के साथ 6 लेन का पुल। फायदे: यात्रा समय में कमी, मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा समय में 45 मिनट की कटौती की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी: मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को जोड़ता है, व्यापार और रसद को बढ़ावा देता है। यातायात भीड़भाड़ कम करना: मुंबई और नवी मुंबई के बीच मौजूदा सड़कों पर यातायात भीड़ कम करना। आर्थिक विकास: नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन की मुख्य विशेषताएं: पीएम मोदी ने नवी मुंबई में एक विशेष समारोह के साथ पुल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए पुल के महत्व और क्षेत्र को बदलने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में पुल पर सांस्कृतिक प्रदर्शन और लाइट शो का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर अटल सेतु एक ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका मुंबई और नवी मुंबई के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने, कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है। अतिरिक्त जानकारी: आप विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उद्घाटन के लाइव अपडेट और वीडियो पा सकते हैं। अटल सेतु परियोजना के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो कृपया मुझे बताएं।